अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिक मुहित और आप लोग देख रहे हैं डब्ल्यू पी साथ यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे भाई कलर पिकर की फील्ड और पासवर्ड की फील्ड हम कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ लिखते हैं हम कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, प्लगइन्स में आए जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं भाई, और यहाँ लिख दिया कलर पिकर। ठीक है, जो लोग पहले पिछली सीरीज देखते हुए आ रहे हैं उनको आइडिया होगा कि क्या करना है कलर पिकर के, कोई प्लग इंस्टॉल करना है तो कैसे करना है और वर्डप्रेस को कैसे यूज़ करना है। तो इसके अंदर हम ये सिंपली अब यहाँ पे फॉर्म का प्लगइन पहले से ऐड हुआ है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिलती रहें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्लगइन्स में ये कॉन्टेक्ट फॉर्म में आए, यहाँ पे अपना फॉर्म को हमने एडिट किया। ठीक है, अब हमारे पास भाई हमने कलर पिकर की प्लग इंस्टॉल किया तो यकीन है हमारे कलर पिकर की फील्ड आनी चाहिए। तो यहाँ हमारे पास कलर पिकर की फील्ड आ गई है दोस्तों, बेहतरीन हो गया। हमने यहाँ लिखा भाई लेवल ले लिया हमने यहाँ पे पहले, सही ये लेवल की फील्ड बनाई है, सही है। मैंने यहाँ पे लेवल ले लिया भाई कलर सेलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे नेम का लेबल नहीं है, ये गायब हो गया था, नीचे लगा देते हैं, ये इसकी जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ लिख दिया योर नेम, सही, और सेव कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने फ्रंट एंड को, मैंने यहाँ पे लिखा सही है अपना नाम, अपना ईमेल, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, सही, और यहाँ हेलो वर्ल्ड कर दिया। और ये कलर पिकर की फील्ड नहीं आई है क्योंकि यहाँ पे क्या मसला हुआ ऐसा है, हमने कलर पिकर फील्ड नहीं है तो उसने ली नहीं है तो आई कहाँ से। तो हमने यहाँ कलर पिकर में गए, हमने कहा भाई रिक्वायर्ड फील्ड है ये, हमने यहाँ लिख दिया माई कलर क्लास दे दिया। अगर स्टाइलिंग करनी हो तो वैसे एक फॉर्म की फील्ड को पता हुआ, हम इसलिए इस कलर क्लास को यूज करते हुए कर सकते हैं। हमने सेव किया, अब हम रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास बेहतरीन कलर की फील्ड आ जाएगी दोस्तों। कलर की फील्ड नीचे आई होगी, हमने नीचे रखा। ठीक है भाई, कलर सिलेक्शन ये आ गया, हमने यहाँ पे नेम लिखा अपना, मैं कहता हूँ कि भाई सब कुछ लिख दिया मैंने यहाँ पे, और मैं इसको ईमेल भी दे दी। ठीक है, पासवर्ड भी दे दिया, मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको सबमिट कर दो। ये सबमिट हो गया, डिफ़ॉल्ट कलर सेलेक्ट हुआ, वैसे सबमिट हो गया, मैंने रिक्वायर्ड आया था डिफ़ॉल्ट कलर हटा दूंगा, सही है। तो ये सबमिट होता है कि नहीं होता चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे ये रख दिया सब में, और अब मैं देखता हूँ ये भाई सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिफ़ॉल्ट तो हटा दिया गया है। मैं इसको पहले रिफ्रेश करता हूँ, फिर भी वाइट ही आ रहा है भाई, तो आई थिंक ये डिफ़ॉल्ट रहेगा क्या। सही है, मैंने यहाँ सबमिट किया, डिफ़ॉल्ट कलर आ रहा है। ठीक है भाई, डिफ़ॉल्ट कलर फिर भी आ रहा है वाइट। तो वापस ये कैसे आएगा ये भी चेक कर लेते हैं ईमेल के अंदर हम। ये मैंने ईमेल लेटेस्ट से किया अपनी, तो दोबारा देखते हैं भाई मजीद हमारे पास ईमेल अभी कोई नहीं आई, तो कलर पिकल की फील्ड तो हमने लगा दी है। ईमेल भी चेक कर लेंगे, ईमेल भी आ रही नहीं, कितनी देर में आ रही है, क्या मसला है, ईमेल थोड़ी आती है टाइम से, तो उसका वेट कर लेते हैं। इतनी देर में ईमेल आती है, इतनी देर में हम यहाँ पे पासवर्ड की फील्ड भी ऐड कर लेते हैं। तो ऐड पासवर्ड फील्ड यहाँ पास आ गया, इसका प्लगइन इंस्टॉल्ड किया हुआ, ऑलरेडी एक्टिवेट करते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये फॉर्म का पेज था। अच्छा, एक मसला और हुआ है, ठीक, हमने ईमेल टेम्पलेट के अंदर वो फील्ड ही ऐड नहीं करी तो कहाँ से आएगा हमारे पास भाई ईमेल, ईमेल के टेम्पलेट के अंदर ही मसला है ना। ये हमने यहाँ पे से हटाया, ये इसको हमने यहाँ रख दिया नेम,
सही है, ईमेल ठीक, यहाँ हमने कर दिया सब्जेक्ट, सही है, यहाँ मैंने लिख दिया मैसेज, यहाँ मैंने लिख दिया कलर, टिकर, ये मैंने हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं ये सेव करता हूँ, और अब आ जाता हूँ फ्रंट पे, ठीक, यहाँ मैंने अपना नाम लिखा, यहाँ ईमेल लिखी, यहाँ पर मैसेज आ गया भाई, यहाँ मैंने कलर दे दिया, इसको मैं सबमिट मारता हूँ, तो अब मेरे भाई ईमेल प्रॉपर आनी चाहिए, मैं इसको यहाँ दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ईमेल आ गई है भाई, बेहतरीन। पहले ईमेल टेम्पलेट के अंदर मसला है, इसलिए ईमेल नहीं आ रही थी। ये देखिए दोस्तों, ये फील्ड आई है, तो मतलब कुछ गड़बड़ अभी भी है ईमेल टेम्पलेट के अंदर, ठीक है, ये नहीं आएगी, ये आएगी एक्चुअली, मैंने वो कॉपी करके डाल दिया, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये रिफ्रेश करता हूँ दोबारा, मैं मैंने नाम लिखा, यहाँ पे ईमेल लिखी, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, यहाँ पे मैंने मैसेज लिखा, और यहाँ मैंने कलर पिकर कोई भी कलर ले लिया और सबमिट किया। तो यहाँ मैं ईमेल देखता हूँ अपनी, तो ईमेल आ गई दोस्तों, ईमेल के अंदर बाद ये कलर पिकर का कोड आ गया, ठीक है, बेहतरीन आ गया हमारा, कलर पिकर का काम चल रहा है बिल्कुल सही। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, हमने पासवर्ड और प्लगइन एक्टिवेट करा हुआ है, ठीक है, अब पासवर्ड वाले फंक्शनलिटी भी यूज़ कर लेते हैं हम। हमने कहा भाई हमें पासवर्ड की फील्ड भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पासवर्ड की फील्ड यहाँ रिक्वायर्ड रखा, यहाँ अगर आपको लेंथ डिफाइन करनी है तो लेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल अभी रखेंगे, ठीक। पासवर्ड लग दिया, यहाँ मैंने पासवर्ड की लाइन दे दी 8, चलें कर दें। नंबर यहाँ मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, पासवर्ड चेक मैंने कुछ नहीं, मैंने इसको यहाँ सेव किया। फिलहाल ये एडवांस ऑप्शन है, वो अपने आप सब खेल सकते हैं उसको। फिलहाल मैंने बेसिक ऑप्शन रखे हैं भी सारे, मैंने इसको रिफ्रेश किया कंट्रोल शिफ्ट आर करके, तो हमारे पास ये पासवर्ड की फील्ड भी आ गई, लेकिन हमें इसका टेम्पलेट सेट करना होगा, यहाँ भी इसकी नेम देना होगा प्रॉपर, तो अच्छा भी लगे। हमने यहाँ रखा लेबल, सही है, मैंने यहाँ रख दिया लेबल, एंड करा उसको, मैंने यहाँ रख दिया पासवर्ड, सही, और इसको सेव करा। यहाँ जब फील्ड सेव होगी, क्रिएट होगी, तो वो जाहिर सी बात है ईमेल टेम्पलेट में भी आपको ऐड करनी पड़ती है, जो ब्लैक हो जाती है, जब ये यूज होती है ऑलरेडी ये वाइट ग्रे हो जाती है, क्योंकि यूज हो चुकी होती है यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट के अंदर। मैंने यहाँ लिख दिया पासवर्ड, और ज़रूरी नहीं ऊपर नीचे फील्ड कर सकते अपने हिसाब से, आपकी मर्जी होती है। मैंने इसको सेव कर दिया, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। मैंने यहाँ लिखा नाम, ईमेल, नेम, पास, सिलेक्शन, मैसेज, कुछ भी दे दिया, यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं यहाँ सेव करता हूँ भाई, रिक्वायर्ड था ये फील्ड, हमने सेव किया, और हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको, ईमेल को, जहाँ हमारा एडमिन की ईमेल अपने ओपन करी हुई जीमेल की, ये मैंने रिफ्रेश किया, अब मैं यहाँ पे आ गया, तो बेहतरीन हो गया दोस्तों। अगर कोई बंदा पासवर्ड अपने हिसाब से यूज़र सेट करवाना चाह रहा है किसी भी स्पेसिफिक फंक्शनलिटी की वेबसाइट के लिए, तो भाई ये पासवर्ड ही बता रहा है, मेरा पासवर्ड ये रख देना, तो ये आपके ऑलरेडी ईमेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।